हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फूड प्रेमी। गाइस, आज की वीडियो होने वाली है टिक्की के ऊपर। टिक्की तो आपने बहुत खाई होंगी, पर ऐसी टिक्की नई। और आज की टिक्की की रेसिपी बहुत स्पेशल है। आपको उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आएगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं फिर टिक्की। तो सबसे पहले यहाँ पर आलू ले लिए हैं कच्चे, बिल्कुल मीडियम साइज़ के हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये 1 kg की तरफ आलू हैं, जिसमें 1 लीटर के करीब पानी डाल दिया। मतलब 1 से 1.5 का पानी डाल दीजिए आपने अपने हिसाब से, जिस हिसाब से आप आलू बॉईल करते हैं ना, बस आलू बॉईल करने हैं। ये हम आलू बॉईल करने के लिए रख दिए हैं सबसे पहले। और देखिए, यहाँ पर हमने चने, मतलब जो भी मटरा चने बोलते हैं वो है, जिन्हें हमने भिगो दिया था 5 से 6 घंटे के लिए। अभी ये देखिए थोड़े टाइट हैं, पर जब हम इन्हें उबाल लेंगे ना, तब काफ़ी अच्छा लगेगा ये टिक्की के ऊपर। इसमें आगे चल के आपको बताऊंगा कि 2 टाइप के होते हैं मटरा में भी, कि मतलब एक आप गाढ़े वाले बना सकते हैं या एक आप लिपटमा। और ये हमारे आलू देखिए गर्मा गर्म एकदम अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छे से दबा के। अब मटरा उबाल लें, उसमें डाल देंगे थोड़ा सा सोडा बिल्कुल चुटकी भर और नमक अपने टेस्ट अकॉर्डिंग। और इन्हें अच्छे से कम 1 सीटी आने के बाद 10-15 मिनट तक के लिए मीडियम गैस पर उबाल लीजिए। यहाँ पर आलू को अच्छे से छील के और गर्मा गर्म, ये बात ध्यान दीजिएगा, ये मेन पॉइंट है कि गर्मा गर्म ही आपको इन्हें घिसना है। अगर ये ठंडे हुए ना, तो उसका जो आलू का मसाला है, मतलब जिसे पिट्ठी है, वो अच्छी नहीं बनेगी। देखिए एकदम आलू को अच्छे से एकदम महीन कर लेना है। आपके पास कोई भी ग्रेटर हो उससे कर लीजिए। देखिए कितना महीन, एकदम उंगली पे जाके पेस्ट बन गया है। अब इसमें डालेंगे अरारोट। आप चाहे तो थोड़ा मैदा भी यूज़ कर सकते हैं, बस अरारोट से काम हो जाएगा, काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। काफ़ी सारा अरारोट डालना है आपको इसमें, कम से कम यहाँ पर 2 कटोरी के करीब अरारोट डाल दिया है। और देखिए हमारा पेस्ट बिल्कुल रेडी है। बिल्कुल देखिए पेस्ट, देखिएगा बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल सिंपल एकदम लाइन में पेस्ट आना चाहिए। तो मतलब आपको देखिए हमारी टिक्की रेडी है। वो इसके ऊपर डाल देंगे छोले, एकदम थिक वाले जो छोले बनाए थे ना वो। ये विदाउट स्टफ टिक्की है। ये छोले डालने के बाद इसके ऊपर इमली वाली सॉल्ट जो होती है ना, वो अमचूर वाली, वो डाल देंगे। उसके बाद इस पर धनिया पुदीने की सिंपल ग्रीन चटनी, जो कि घर में रेगुलरली बनती रहती है, वो डाल देंगे। और उसके बाद डालेंगे इसमें थोड़े से कटे हुए प्याज, फाइन चॉप प्याज डाल देंगे। और उसके बाद अब हम इसमें डालेंगे दही। दही मेन है टिक्की में, बहुत अच्छा स्वाद आता है दही का। दही डाल देंगे, एकदम क्रीमी सा दही डाल देंगे। आप अपने अकॉर्डिंग दही ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। देन उसके बाद एक लास्ट लेयर ऑफ सॉल्ट, हल्का सा, और हल्का सा ही, और
देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसके ऊपर थोड़ी सी हल्की सी ग्रीन चटनी और डाल देते हैं, और इसके ऊपर थोड़े से मसाले। सबसे पहले नमक, हल्का सा क्या है फ्लेवर आ जाएगा, थोड़ा फीका फीका नहीं लगेगा। उसके बाद थोड़ी सी लाल मिर्च, और ऊपर से देखने में भी अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा जीरे का पाउडर, भुने जीरे का पाउडर। ये देखिए कितनी अच्छी टिक्की बनी है। लास्ट में थोड़ी सी इसके ऊपर डाल देंगे अदरक के लच्छे, एकदम अच्छे दिखेंगे। देखिए कितनी लाजवाब और अच्छी टिक्की है। अब आपको दूसरी स्टफ टिक्की दिखाते हैं। देखिए हमारी स्टफ टिक्की भी रेडी है, एकदम करारी हो चुकी है। डबल कड़क करी है, मतलब एक बार कढ़ाई में और एक बार तवे पे। और अंदर से स्टफिंग देखिए, वाह, एकदम मटर काजू अंदर से अच्छे से दिख रहे हैं, पनीर वगैरह देखिए। इसके ऊपर हम डालेंगे, अब इसके ऊपर वही छोले वगैरह का अपना मसाला, पतला वाला, मतलब जो ज़्यादा थिक नहीं है। एक अपने ड्राई भी है ना अपने पास, वो भी ऊपर से थोड़ा इस वाली पे गार्निश करेंगे। अब इस पर डालेंगे थोड़ी सी सौंठ, वही अमचूर वाली और हरी चटनी, और ऊपर से इस वाली टिक्की पर ढेर सारा दही, क्योंकि इसमें इस वाली स्टफ टिक्की में दही का अच्छा काफ़ी ब्लेंड आता है। तो एकदम दही से अच्छे से निला दिया है टिक्की को। उसके ऊपर थोड़ी सी और सौंठ डाल देंगे गार्निशिंग के लिए, और थोड़ी सी हल्की सी ग्रीन चटनी, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वो अपने मसाले, लाल मिर्च पाउडर, नमक और जीरा। देन उसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से ड्राई अपने आलू छोले, थोड़े से कटे हुए प्याज, और थोड़े से अदरक के लच्छे। देखिए क्या टिक्की बनी है गाइस। इसी बात पर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।